आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल स्टेन फॉर फंजाई। तो ये पांच तरह की स्टेन्स है जो कि फंजाई के लिए काम आती है, KOH, जिम्सा, HND, GMS और पास। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे पास स्टेन ही पढ़ते हैं जो कि फंजाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर रखी है। फिर भी अपन देखिए, यहाँ पे पास स्टेन इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, म्यूसिन, फंजाई एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। और पास स्टेन में जो कि पर आयोडिक एसिड सिप होती है, जिनमें सबसे पहले अपन को ये लिखना है कि ये ग्लाइकोजन, म्यूसिन, फंजाई और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन के लिए यूज होती है। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, टिश्यू के अंदर होता है 1-2 ग्लाइकोल ग्रुप जो कि कन्वर्ट हो जाता है डाई एल्डिहाइड में, और फिर वो रिएक्ट करता है सिर्फ रिएजेंट के साथ और मेजेंटा कलर देते हैं। देखिए किस तरह से काम करता है, टिश्यू के अंदर होता है 1-2 ग्लाइकोल ग्रुप, ठीक है, ग्लाइकोल ग्रुप 1-2 ग्लाइकोल ग्रुप होगा टिश्यू के अंदर। अब वो कन्वर्ट हो जाएगा डाई एल्डिहाइड में, डाई एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी मदद में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, और फिर ये डाई एल्डिहाइड सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इसके साथ रिएक्ट करके ये दे देगा मेजेंटा कलर। और जो सिर्फ रिएजेंट होता है ये कलरलेस होता है खुद आपस में। तो यही अपना प्रिंसिपल है, देखिए 1-2 डाई एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट, 1-2 ग्लाइकोल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है डाई एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मदद में, और फिर जो ये मतलब है ना डाई एल्डिहाइड होता है वो सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मेजेंटा कलर दे देता है, और सिर्फ रिएजेंट खुद कलरलेस होता है। और अब देखिए, अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले ब्रिंग सेक्शन टू डिस्टिल वाटर, पहले अपन को सेक्शन को डिस्टिल वाटर के अंदर मतलब लाना है, फिर ट्रीट विद पर आयोडिक एसिड, फिर पर आयोडिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करना है, और फिर राइज विद डिस्टिल वाटर, फिर डिस्टिल वाटर के साथ रेज करके कवर विद सिर्फ रिएजेंट। अब देखिए, सबसे पहले अपन को पर आयोडिक एसिड के साथ 5 मिनट, फिर सिर्फ रिएजेंट के साथ, ये दोनों नाम में ही है, और फिर अपन को वॉश विद रनिंग वाटर, फिर है ना रनिंग वाटर के साथ वॉश करके काउंटर स्टेन करना है अपन को हारिश हिमेटोक्सिलिन के साथ 15 सेकंड के लिए, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है अपन को एसिड अल्कोहल, और काउंटर स्टेन किया, फिर अपन को डिफ्रेंशिएट किया अल्कोहल, और मतलब है ना फिर अपन को ब्लूम कर दी, फिर वॉश कर दिया, और फिर हमने ना उनके ना अल्कोहल की जो मतलब है ना कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी, और फिर जाइलिन और के साथ क्लीन करके माउंट कर देना है। तो अगर पास पॉजिटिव आएंगे तो मेजेंटा कलर देंगे, और न्यूक्लिया हो गए जो वो जो कि दूसरे होंगे न्यूक्लिया वो देंगे ब्लू कलर। और देखिए पास पॉजिटिव कौन कौन से हो सकते हैं, अपन फंजाई के लिए पढ़ रहे हैं तो फंगस होती है, बाकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एम्बलॉइड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन, ग्लाइकोजन। तो ये हो गया अपना स्पेशल स्टेन फॉर फंजाई। अब उसके अंदर अपन ने ये अभी तक तो अपन ने पढ़ लिया कि GMS का क्या मामला है, ठीक है, और अब हम आगे नहीं अपन ने पास का पढ़ा, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा GMS कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे GMS का क्या है, GMS का फुल फॉर्म होता है ग्रोथोड मिथानमीन सिल्वर। आप अगर पास भी लिखते हैं स्पेशल स्टेन में, ये वाला लाइन लिख दिया आपने KOH, चिमसा, HND, GMS एंड पास, और फिर पास लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएंगे पूरे, पर फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ GMS। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है, GMS इज अ क्रोनिक एसिड सोडियम सल्फाइड स्टेन, सोडियम सल्फाइड स्टेन होती है, और प्रोसीजर कैसे का काम करता है। तो देखिए फंगल सेल वॉल म्यूकोपॉलीसेक्राइड ऑक्सीडाइज बाय क्रोमिक एसिड टू रिलीज डाई एल्डिहाइड ग्रुप, देन दिस डाई एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड रिड्यूस इट टू मेटेलिक सिल्वर। देखिए फंजाई जो है ना फंगल वॉल होगी उसके अंदर होंगे म्यूकोपॉलीसेक्राइड, फंजाई वॉल है, ये फंजाई की वॉल है, इसके अंदर होंगे म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्रोमिक एसिड के साथ ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, ठीक है, और रिलीज कर देंगे डाई एल्डिहाइड। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर डाई एल्डिहाइड रिलीज कर देंगे, और फिर जो ये एल्डिहाइड ग्रुप होंगे ये अब यहां पे ये डाई एल्डिहाइड है, अब ये रिएक्ट होंगे किसके साथ, रिएक्ट होंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ डाई एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट हुए, और फिर वो क्या दे देंगे, फिर मेटेलिक सिल्वर तो रिड्यूस हो जाएंगे, और क्या क्या हो जाएगा, मेटेलिक सिल्वर बन जाएंगे।
और फिर जो ये मेटेलिक सिल्वर होंगे ये डिपॉजिट हो जाएंगे ओवर इट और हमें ये ब्लैक कलर में दिख सकते हैं। और हम जीएमएस किसके लिए यूज करते हैं, कॉमनली यूज फॉर फंजाई और साइटोस्मेयर एंड टिश्यू सेक्शन के लिए यूज करते हैं। और इसमें रिजल्ट क्या होता है, ब्लैक कलर आ जाता है फंगल वॉल का और पेल ग्रीन हो जाता है बैकग्राउंड। और इट स्टेन ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक फंगाई एंड मेलनिन। और ये जीएमएस है, ये है ना पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक फंजाई और मेलनिन के स्टेन के लिए यूज होता है। तो ये आपने पढ़ लिया, स्पेशल स्टेन फॉर फंजाई।